दोस्तों नमस्कार, पांडे क्विज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे एक रिक्वायरमेंट निकली हुई है सीआरपीएफ में, जो टोटल 309 वैकेंसी निकली हुई है। बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो पुलिस में जॉब सर्च कर रहे हैं, तो पुलिस विभाग में जाने के लिए यदि आप उसके साथ खेल कूद में आप भी इंटरेस्टेड हैं और खेल कूद में आप इन्वॉल्व हैं, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि जो ये वैकेंसी निकली हुई है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये मैं ऑफिशियल वेबसाइट हूँ सीआरपीएफ का, www.crpf.gov.in पे, वहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट निकली हुई है रिक्वायरमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स अगेन स्पोर्ट कोटा। तो ये जो वैकेंसी जो बेसिकली निकली हुई है स्पोर्ट कोटा पे निकली हुई है, जिसमें टोटल 309 वैकेंसी निकली हुई है अलग अलग स्पोर्ट के लिए। जो आप कोई भी स्पोर्ट में यदि आप कोई कहीं भी लेवल पे आप खेल रहे हैं, तो आपको पुलिस में जॉब पाने के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है आपको पाने के लिए। तो जो सबसे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि एप्लीकेशन आर विजिटेड फ्रॉम इंडियन सिटीजन मेल एंड फीमेल फॉर फिलिंग अप टू पोस्ट ऑफ 359, जो टोटल पोस्ट है वो 359 है, वैकेंसी है जो कि हेड कांस्टेबल जीडी मेल 19 है और फीमेल 1 है, एंड कांस्टेबल 295 जीडी मेल एंड 24 फीमेल है। जो एक अंडर स्पोर्ट कोटा है, जो स्पोर्ट कोटा है वो है हॉकी, फुटबॉल, रोइंग, कबड्डी, एथलीट मीन्स जूडो, आप जिस भी खेल में हैं तो आपके लिए दी है, तो आप एक लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो एप्लीकेशन जो फॉर्म फिल किया जाएगा ये ऑनलाइन मोड से किया जाएगा, और यदि आप कोई भी खेल से इन्वॉल्व हैं तो आपको इसको फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए। तो ये बेसिक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको जैसे पहले बताया गया कि स्पोर्ट कोटा में इन्वॉल्व होना जरूरी है, उसके बाद एज 18 से 23 साल होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन होना चाहिए और 10th to 12th होना चाहिए, और हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग स्पोर्ट कोटा है। उसके बाद यहाँ पे सिटी एंड जीडी के लिए जो है वो सेम 18 से 23 होना चाहिए। उसके बाद अपर एंड इलेक्शन जो भी आपको एज में छूट मिलती है आप कोटा में, जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक पुलिस जॉब है तो आपको फिजिकली फिट होना बहुत ही मैंडेटरी है, तो उसके रिलेटेड यहाँ पे हाइट की दी गई है अलग अलग मेल के लिए, फीमेल के लिए कोटा वाइज। उसके बाद यहाँ पे चेस्ट होगा, उसके बाद वेट होगा, वेट आपको जितना हाइट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वेट एज के अकॉर्डिंग वेट लिखा रहेगा, तो उसके अंदर ये वेट का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड, जो कि आपको कोई भी डिसीजेज नहीं होना चाहिए, आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, आपको देखने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए, तो बेसिक मेडिकल स्टैंडर्ड है क्योंकि एक पुलिस जॉब है, और तो उसके लिए आपको फिजिकली फिट होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, आप इसको कंप्लीट ए टू जेड पढ़ें। उसके बाद रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, जो कि आप उसमें फिजिकल टेस्ट में पास कर जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे होगा। उसके बाद लास्ट और इम्पोर्टेंट थिंग है कि कैसे अप्लाई करें, जो कि अप्लाई करने का यहाँ पे देखें कि एलिजिबल एंड डिजायर कैंडिडेट शुड सेंड देयर एप्लीकेशन इन दैट प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ड्यूली टाइप इन द गिवन एंडेक्चर 1। सॉरी, यहाँ पे जो भी ये फॉर्म लिया जा रहा है ये ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन लिया जा रहा है, जो कि लास्ट जो अप्लाई करने का लास्ट डेट है 28/1/2019 है। सो उसके पहले एप्लीकेशन फ़ी है वो 100 rupees ही है, तो 100 rupees ज़्यादा नहीं होता है, तो आप इसको फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। और गवर्नमेंट जॉब में सीआरपीएफ में एक अच्छी कांस्टेबल पोस्ट पे आप जॉब ले लें। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।